तो क्या हाल है सिक्सर के चाहने वालों, विकेट के मत वालों, क्रिकेट के दीवानों। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले सीपीएल 2022 मैच नंबर 8। अगर हम इस मैच की बात करें तो बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। अगर हम यहाँ पे बारबाडोस रॉयल्स की बात करें ना, तो अभी तक दो मैच खेले, दोनों मैच जीत के ये कह रहे हैं हमें हराना इस बारी मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। त्रिनबागो नाइट राइडर्स की बात करें तो इन्होंने भी दो मैच खेला, एक जीता एक मैच नो रिजल्ट है, इनके 3 पॉइंट्स। मतलब त्रिनबागो की बात करें तो एक हिसाब से इसने भी अभी तक एक भी मैच नहीं हारा, बारबाडोस रॉयल भी एक भी मैच नहीं हारा। तो दोनों टीमें क्या करना चाहेंगे यार, जैसे जीत रही है जीत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है ना जीतेगा तो कोई एक, एक हार जाएगा। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब ये दोनों टीमें इससे पहले हेड टू हेड आमने सामने आई हैं तब कौन सी टीम किस पे पड़ी है भारी। तो ओवरऑल इनके बीच में अभी तक 19 मैच खेला गया, जिसमें से बारबाडोस रॉयल ने 7 मैच जीता, त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 12 मैच जीता। अगर हम यहां पर देखें जो त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम है वो बारबाडोस रॉयल के ऊपर भारी पड़ती है। सेंट लुसिया के मैदान पे दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। सीपीएल 2021 पिछले सीजन जो इनके बीच में दो मैच खेला गया था, दोनों ही मैच त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने अपने नाम पे किया था, यानी सीपीएल 2021 में त्रिनबागो ने बारबाडोस को धो डाला था। सितंबर के महीने में इनके बीच में 4 मैच खेला गया, दोनों टीमों ने दो दो मैच अपने नाम पे किया। मतलब सितंबर महीने की कहानी की बात करें तो यहां पर जो मामला है ना वो बराबरी का नजर आ रहा है। वेडनेसडे की बात करें तो इनके बीच में 3 मैच खेला गया, जिसमें से 2 मैच जीता बारबाडोस रॉयल, 1 मैच जीता त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने। यानी वेडनेसडे के दिन जो बारबाडोस रॉयल होता है ना त्रिनबागो के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 4 मैच जीता और बारबाडोस रॉयल बस 1 मैच जीत पाया। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों के लास्ट 5 मुकाबले की रिजल्ट की बात करें तो जो त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम है ना वो बारबाडोस रॉयल को धो डाला, बोला आया बड़ा मेरे से मैच जीतने, इनको मैच जीतने नहीं दिया। 5 में से 4 त्रिनबागो जीता, बस 1 जीत पाया बारबाडोस रॉयल। अगर हम यहाँ पे देखें तो त्रिनबागो काफी बेहतर नजर आ रहा है बारबाडोस रॉयल के सामने, लेकिन आपको पता ना जो आंकड़े होते हैं टूट जाते हैं नए रिकॉर्ड्स बनने के लिए। तो आज के मैच में क्या होगा चलो फाइनली अब हम ना यही जानते हैं। और अगर हम इस मैच की बात करें तो डेरेन सैमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लुसिया में खेला जाएगा। यहाँ के मैदान पे अभी तक T20 डोमेस्टिक के 27 मैच खेले गए, जिसमें से 10 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड और 17 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज। मतलब यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होते हैं टारगेट चेज होते हैं। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 159, 159 रन। टारगेट चेज की बात करें तो 155, 155 से नीचे स्कोर बनेगा ना तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 171, 171 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 155 से 171 के बीच में टारगेट होगा, आप समझ जाना जो मामला है ना वो बराबरी का, चेज भी हो सकता और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ के मैदान पर जो मैच होते हैं ना वो मीडियम स्कोरिंग होते, क्यों होते, क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना वो ड्राई एंड हार्ड है, जिसकी वजह से होता क्या कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ना यहाँ की जो पिच होती है कंडीशन होती है वो थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगती है। जब कंडीशन स्लो हो जाती है तो जो बॉल होता है ना बैट पे थोड़ा सा रुक के आता है। अगर हम यहाँ पे नई बॉल से बात करें तो बल्लेबाजी के लिए बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है रन बनाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक हिसाब से देखें तो बैलेंसिंग पिच भी कह सकते हैं, जो बल्लेबाजी के लिए भी ठीक है, लेकिन जो स्पिनर गेंदबाज है जो स्लोवर गेंदबाज है जो वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं नकल बॉल स्लोवर, उनको यहाँ की पिच से हेल्प भी मिलता है। तो अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो बैलेंसिंग पिच है, शुरू में बल्लेबाजी के लिए बेहतर होता है, लेकिन जैसे जैसे यहां पे मैच आगे बढ़ते जाते हैं गेंदबाजों को भी हेल्प करने लग जाता है। लेकिन इस आज के मैच की बात करें तो फ्रेश पिच पे मैच हो रहा है तो फ्रेश पिच पे रन तो बनने ही चाहिए। आई थिंक आज के मैच में थोड़ा सा ज्यादा रन बनेंगे। अगर हम पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 42 से 47 के बीच में टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 155 से 170 के बीच में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो सेंट लुसिया की कंडीशन को कौन सी टीम अच्छे से पढ़ेगी और जो मैच होगा उसे अपने नाम पे करेगी, चलो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बारबाडोस रॉयल की, जिन्होंने अभी तक 2 मैच खेला और दोनों ही मैच जीते हैं। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो कप्तान डेविड मिलर बोलेगा भैया चेंज क्यों करना, इसी टीम के साथ तो बैक टू बैक मैच जीत रहे हैं, तो कोई चेंज ना करते बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं। क्योंकि जो इनकी बैटिंग लाइनअप है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया, रकीम कॉर्नवेल और क्विंटन डिकॉक ओपन करने आते हैं, उसके बाद काइल मेयर्स की बात करें तो T20 का बहुत अच्छा बल्लेबाज है। आजम खान की बात कर ले तो आजम खान तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद कप्तान खुद डेविड मिलर, किलर मिलर की बात करते पिछले 1-2 सालों से T20 में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो इनकी बल्लेबाजी लाइनअप है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है और काफी ज्यादा लंबी भी है। 7वें नंबर पर हैरी टेक्टर बल्लेबाजी करने आते हैं, जो कि आपको पता है आयरलैंड के कमाल के बल्लेबाज है। और 8वें नंबर पर जैसन होल्डर, मतलब जैसन होल्डर तक इनकी बल्लेबाजी और
सभी बल्लेबाज हम देख सकते हैं जो T20 में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए। करंट फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, करंट फॉर्म वो काफी ज्यादा बढ़िया है बारबाडोस रॉयल के बल्लेबाजों के। गेंदबाजों की बात करें तो जेसन होल्डर की अगुवाई में ओबेट मोकोय आप सबको पता है T20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। जोशुआ बिशप भी इनका साथ देते हैं, लेकिन एकाद गेंदबाज की बात करें तो वो थोड़ा सा महंगा साबित होता है। मतलब इनके तीन गेंदबाज बढ़िया, लेकिन चौथा पांचवा गेंदबाज ना थोड़ा सा महंगा साबित हो जाता है। तो बारबाडोस रॉयल के लिए बस यही दो जो गेंदबाज इनके महंगे साबित हो रहे हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी जो इनकी टीम है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। त्रिनबागो नाइट राइडर्स की बात करें तो दो मैच खेला, एक जीता एक नो रिजल्ट आया, तो इनके 3 पॉइंट्स है। ये भी अभी मैच वाइज ना हारे। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो अकील हुसैन अगर फिट हो गए होंगे तो आज के मैच में खेलते नजर आएंगे, अगर नहीं फिट हुए होंगे तो जो टीम थी इनकी पहले मैच में वही रहने वाली है। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो भाई साहब ट्यून बेवेस्टर ने जिस तरह से शुरुआत करी, टीम सेफर्ड ने साथ दिया, लग रहा है काफी ज्यादा कमाल की इनकी बल्लेबाजी लाइनअप है। क्योंकि इसके बाद देखिए इनकी बल्लेबाजी, निकोलस पुरन तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कारेन पोलार्ड, पांचवें नंबर पर आंड्रे रसल और छठवें नंबर पर सुनील नारायण। अगर इन चारों में से पांचों में से कोई एक चल गया तो सामने वाली टीम वैसे बोले कि भैया मैच तो खत्म हो गया, क्योंकि ये बल्लेबाज जो है ना वन मैन आर्मी वाले। अगर गेंदबाजी की बात करें तो सुनील नारायण आप सबको पता है T20 में रन बनाने नहीं देते, विकेट लेते रहते हैं। अकील हुसैन की बात करें ये भी बहुत अच्छे गेंदबाज है। हाँ, इनका भी जो चौथा और पांचवा गेंदबाज है ना वो थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा था। अगर हम यहाँ पे इनकी बल्लेबाजी की बात कर लो, एक दो तीन गेंदबाज की बात करो तीन भागों की, ये भी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो चौथा पांचवा गेंदबाज है उनके साथ दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों को कंपैरिजन करें तो दोनों टीमों की जो प्रॉब्लम है ना बिल्कुल एक है, चौथा और पांचवा गेंदबाज महंगा साबित हो रहा है, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो बारबाडोस रॉयल्स ने अपने लास्ट के 6 मैच में 3 मैच जीता, 3 मैच हार गए, मतलब एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 163 रन, दोस्तों 163 रन जो बल्लेबाजी एवरेज होता है हम इसे ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं कह सकते। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.21 थोड़ा सा ना महंगा होता है, इनको और सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। मैं त्रिनबागो नाइट राइडर्स की बात करें तो अपने लास्ट के 6 मैच में 4 मैच जीता, बस 2 मैच हारा। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 155 दोस्तों 155 का बल्लेबाजी एवरेज बहुत अच्छा नहीं होता, फिर भी 6 में से 4 जीत के कैसे है? क्योंकि जो इनका गेंदबाजी एवरेज है ना 7.03 दोस्तों, ये काफी ज्यादा कमाल का होता है T20 में। जिस टीम का 7.3 का गेंदबाजी एवरेज है ना, मतलब उसके जो गेंदबाज है ना वो गेंदबाजी नहीं कर रहे, आग फेंक रहे, तभी यहाँ पे त्रिनबागो लास्ट के 6 मैच में 4 जीता बस 2 हारा। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो रिजल्ट में बिल्कुल थोड़ा सा त्रिनबागो बारबाडोस से बेहतर नजर आ रहा। बल्लेबाजी एवरेज की बात करते हैं, यहाँ पे जो बारबाडोस रॉयल है ना बिल्कुल थोड़ा सा त्रिनबागो से बेहतर नजर आ रहा, लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें यहाँ पे जो त्रिनबागो ना बहुत ही ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है किससे, बारबाडोस रॉयल से। तो आज के मैच में क्या होगा चलो फाइनली अब हम ना यही जानते हैं, लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। तो सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना वो 35 और 65 का, 35 बारबाडोस रॉयल और 65 त्रिनबागो नाइट राइडर्स। तो भाई लोग अगर आप यहाँ पे चाहें जो मजबूत टीम है त्रिनबागो नाइट राइडर्स इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच है ना बारबाडोस रॉयल अपने नाम पे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी बिन बारबाडोस रॉयल्स। लेकिन आपको पता है ना भाई साहब ये क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी ना मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। मेरे टेलीग्राम की लिंक कहां मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो, क्योंकि मेरा टेलीग्राम आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया बहुत ही फायदे में, आप सोच रहे हैं अच्छा ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पे, तो मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक मिलेगी, ज्वाइन करो। 2-4 मैचों मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। वैसे भी दोस्तों CPL के अलावा एशिया कप भी तो चल रहा है, एशिया कप के सभी मैचों की प्रेडिक्शन भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। बस एक चीज का ध्यान रखना, फेक से सावधान, मेरे नाम पे ना बहुत ज्यादा नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।